श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तजनों, मैं हूं शिव भक्त प्रीति और लेके आई हूं आज का नया वीडियो। इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूं पितृपक्ष का एक महत्वपूर्ण उपाय, जिससे आपको पितृपक्ष के 15 दिन करने हैं। बहुत कारगर उपाय है, जिसे अपनी कथाओं के माध्यम से पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने समय समय पर बताया है, उसे मैं अपनी आवाज़ में लेकर आई हूँ। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम ना गंवाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि इस उपाय में क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको एक तांबे का कलश ले लेना है, जैसा आपको दिख रहा है, और इसको जल से भर लेना है। अब इसमें सफ़ेद फूल डालने हैं। जी हाँ, सफ़ेद फूल, चाहे वो किसी भी पौधे से आपने लिए हो या फिर मार्केट से खरीद के लाया, चाहे वो कोई भी फूल हो, वाइट फूल होना चाहिए। ठीक है, अब इसे क्या करना है, इस पात्र को, जल भरा जो पात्र है, अपने घर के अंदर का कोई भी जो दरवाज़ा है, दरवाजे की चौखट के बगल में रखना है। पूरे दिन आपको रखना है। अगले दिन सुबह आपको जो है इस कलश को उठा लेना। आप कहेंगे कि पूरा दिन रहेगा तो बच्चे गिरा देंगे, कोई कर देगा, तो आप अपने दरवाजे के बगल में टेबल रख लीजिए और उस पर इस कलश को रख दें। कलश के जल को पूरी रात रखने के बाद सुबह उठते ही, चाहे आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपको क्या करना, कलश का जल लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चले जाना। जहाँ से आप सीधे सड़क पर निकलते हो उस मुख्य दरवाजे पर चले जाना है और दोनों फूलों को निकाल के अपने दरवाजे पर पटक देना है। इसके बाद जो कलश का जल है अपने पूरे दरवाजे पर छिड़क डालना है। पूरा छिड़काव करते हुए इस कलश के जल को ख़त्म कर दीजिए। इसके बाद आप घर पे आइए, लोटे को धो दीजिए। इसके बाद पुनः जो है इस लोटे में पानी भरिए और दो फूल डालिए और इसको फिर से अपने दरवाजे के, घर के अंदर का जो भी दरवाज़ा है उस पर रख दीजिए, बगल में रख दीजिए, जहाँ से बच्चे ना गिराएं। इसके बाद सुबह उठिए पुनः और अपने घर का मेन दरवाज़ा, जहाँ से आप सीधे सड़क पर निकलते हैं, वहाँ छिड़क दीजिए। यही प्रक्रिया आपको 15 दिन करनी है। यकीन मानिए, आपके पैसों से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। भोलेनाथ पे विश्वास रखिए, बोलिए हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए उपाय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।